जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी HQ इन्फेंट्री स्कूल MHOW भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी परमानेंट है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपीज फीस पे करनी है, इसके अलावा इसमें कोई भी फीस नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। जॉब्स ज्ञान सर्च करने पर आपको यहां से फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर HQ इन्फेंट्री स्कूल MHOW रिक्रूटमेंट देख पाएंगे। आपको ये पोस्ट ओपन कर लेनी है। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको सर्च में आना है और HQ इन्फेंट्री स्कूल MHOW सर्च करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ये पोस्ट ओपन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने यहां पर एलिजिबिलिटी की जानकारी आपको थोड़ा सरल वे में दी है। तो चलिए यहां से एक एक करके जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी भर्ती निकाली है, ये काफी सारी पोस्ट पर निकाली है, जिनके नाम एक एक करके मैं आपको आगे बताने वाला हूं और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 77 है। अप्लाई करने का तरीका आपका ऑफलाइन रहेगा। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया होने वाली है। अभी यहाँ पर मेरे माइंड में एक सवाल आया, जो कि आप पूछते हो कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा। दोस्तों जहाँ पर आप अपना फॉर्म सेंड करोगे उसी लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। उसके अलावा आपको कहीं पर भी एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो उसमें 10वीं 12वीं डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी कुछ पोस्ट पर 18 से 25 है और कुछ पोस्ट पर आपकी 18 से 27 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। और यहां पर जो मैंने एप्लीकेशन फीस की बात की थी, OBC को ₹50 फीस जमा करनी है, SC/ST को कोई भी फीस जमा नहीं करनी और यह फीस आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। और जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है एक्सपेक्टेडली वो आपकी 7 अगस्त 2021 है, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर आएगा, उसी के अंदर इस भर्ती का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। और आप लोग इस फॉर्म को 12 सितंबर 2020 यानी कि 30 दिन बाद तक भर पाएंगे। अभी मैं आपको एक झलक इस नोटिफिकेशन की दिखाता हूं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है और जो आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी भर्ती का। यहां पर आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि आपकी कौन सी पोस्ट पर आप कितनी वैकेंसी निकाली है और उसके लिए आपको कितनी सैलरी दी जाएगी और ये पोस्ट आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर रखी है। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, इस पर आपको पे लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, जहाँ पर 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये आपको दिए जाएंगे। पोस्ट इसके लिए 2 है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 3 पद है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 4 पद है। कारपेंटर के लिए यहाँ पर आपका 1 पद है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसलेटर के लिए भी आपका 1 पद है। स्टोरकीपर की पोस्ट है, बूट मेकर की पोस्ट है, पेंटर बाय लेवल की पोस्ट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है जिसके लिए 2 पद है, कुक के लिए आपके 4 पद है, सुपरवाइजर के लिए 1 पद है, आर्टिस्ट और मॉडल मेकर के लिए आपका 1 पद है, फटिंग मैन के लिए आपके 21 पद है, जो कि सबसे ज्यादा है इन सभी वैकेंसी को देखते हुए। और इस पर आपको 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। MTS वॉचमैन के 2 पद है, MTS चौकीदार का 1 पद है, MTS मैसेंजर के लिए मैसेजर के लिए आपका 1 पद है, वाशरमैन के लिए भी आपका 1 पद है, बार्बर के लिए आपके 3 पद है, साइकिल रिपेयर के लिए आपके 1 पद है। तो यहाँ पर दोस्तों आप टोटल वैकेंसीज की देख सकते हैं। नीचे आपको जो टेबल 2 है उसके अंदर और भी वैकेंसी की जानकारी दी जा रही है। अभी फिर से हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो देख लेते हैं। जो टेबल 1 इन्फेंट्री स्कूल MHOW स्टेशन है, इसमें जो आपकी पोस्ट मैंने आपको बताई है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। अकाउंटेंट की पोस्ट पर सिर्फ डिग्री मांगी है, बाकी की जो अन्य पोस्ट बच जाती है जैसे कि ड्राफ्ट्समैन, इस पर 10वीं और डिप्लोमा मांगा है ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर। LDC की पोस्ट पर 12वीं और साथ ही आपसे इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग मांगी है। इंग्लिश की करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी की करोगे
करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। कारपेंटर की पोस्ट पर 10वीं आईटीआई के साथ मांगी, आईटीआई आपकी कारपेंटर के ट्रेड में होनी चाहिए। पेंटर के लिए भी दो पद है और इस पर आपसे 10वीं प्लस आईटीआई मांगी है। सुपरवाइजर के लिए एक पोस्ट है और इस पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है। कुक के लिए चार पद है और इस पर आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है और आपको बोला कि आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए जो इंडियन कुकिंग खाना होता है उसके बारे में। एमटीएस की जो पोस्ट है इन पर आपसे 10वीं पास की योग्यता और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जो कि कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं जो ये वॉचमैन चौकीदार मैसेंजर की पोस्ट है इन पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो आप अपने जहां पर भी लोकल अथॉरिटी है वहां पर जाइए और बेसिकली कोई हार्ड एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उनसे। अगर आप एक ब्लैंक पेज पर लिखवा भी लोगे कि मैं इसने यहां पर इतने दिन काम किया और नीचे वो साइन कर देंगे तो ये भी एक्सपीरियंस के अंदर काउंट किया जाएगा। जो फुटिंग मैन की पोस्ट है इस पर भी आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है। फिर जो आपकी टेबल 2 है इसमें भी आप देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा अब बात करें एज लिमिट की, तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक की जाएगी जो कि एक्सपेक्टेडली 12 सितंबर 2021 है। तो इसमें आपकी इन पोस्ट पर जो कि LDC स्टेनोग्राफर Grade 3 बोटमेकर कुक ट्रांसलेटर फुटिकमैन MTS वाशरमैन बार्बर साइकिल रिपेयर इन पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म भर रहे हो तो 18 से 25 साल एज लिमिट है। और अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जो कि है अकाउंटेंट कारपेंटर स्टोर कीपर सुपरवाइजर ओवरसीर आर्टिस्ट और मॉडल मेकर पेंटर सिविलियन मोटर ड्राफ्ट्समैन इन पर 18 से 27 साल रखी है और जो छूट होती है वो यहां पर दी जाएगी SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। एप्लीकेशन फीस OBC के लिए 50, SC ST के लिए कोई फीस नहीं और यहां पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप फीस को जमा कर पाएंगे या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से। अगर आप टेबल 1 की जो पोस्ट है उन पर अप्लाई कर रहे हो तो जो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट पे करना है वो आपको इनके फेवर में करना है जो कि दी इन्फेंट्री स्कूल MHOW। अगर आप जो टेबल 2 यहां पर दी जा रही है इनमें से किसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर दोस्तों आपको कमांडर जूनियर लीडर्स विंग दी इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम इनके फेवर में अपनी फीस को जमा करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें आपके सिलेक्शन की, तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो रिटर्न टेस्ट स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टाइपिंग टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। बेसिकली है कि रिटर्न टेस्ट तो सभी पोस्ट पर होगा, बाकी जो स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल और टाइपिंग टेस्ट है ये आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। जिस पोस्ट पर जो भी प्रोसेस एप्लीकेबल होगा वही आपका सेकेंड प्रोसेस होने वाला है। एग्जाम आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा और एग्जाम के अंदर आपके MCQ जिसको आप बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन बोलते हैं वो आने वाले हैं और इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और उसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो आप यहां पर देख ही पा रहे हैं। और एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहां पर मैंने सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा दिया है टॉपिक वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, आप इन सभी जानकारी को अच्छे से देख लीजिए। नीचे आपको अप्लाई कैसे करना है इसका प्रोसेस भी आपको बताया, बट अगर आप चाहेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको पूरा प्रोसेस बताऊं इस फॉर्म को भरने का, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए बहुत जल्द फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। तो ये थी दोस्तों आपकी HQ इन्फेंट्री MHOW भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।